अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका यूज़ होगा, जो कि इक्वल होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी स्क्र रूट डिवाइडेड बाई टू ए। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इससे आप इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके सारे पार्ट सेम ही हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट है 2 - x² इज इक्वल टू 7x। इसका सलूशन आप करेंगे 2 - x² इज इक्वल टू 7x। इसकी सलूशन के लिए इक्वेशन का एक साइड पे होना ज़रूरी है। फर्स्ट में वैल्यू होती है एक्स स्क्र की, फिर होती है एक्स की, फिर कॉन्स्टेंट। अब देखिए एक्स स्क्र इधर माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो एक्स स्क्र प्लस हो जाएगा। प्लस 7x, 2 इस साइड पे प्लस था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी। एक्स स्क्र का जो कोफिशेंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो कोफिशेंट होता है वो बी, और जो कॉन्स्टेंट होता है वो सी होता है। एक्स स्क्र के साथ 1 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखा, वैल्यूज पुट कर दें, बी की जगह आप लिखेंगे 7 प्लस माइनस बी स्क्र यानी 7 का स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू है 1। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्र 49, -माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 2। -7 प्लस माइनस 49 एंड 8 57 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 57 किसी का भी स्क्र रूट नहीं है, इसलिए आंसर आएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड पार्ट है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, सोल्यूशन है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा आपने, वैल्यूज पुट करें, बी की जगह आप लिखेंगे 8 प्लस माइनस, बी की जगह लिखेंगे 8 उसका स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। -8 आ जाएगा प्लस माइनस, 8 का स्क्र 64, 4 5 का 20 डिवाइडेड बाय 10। -8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस किया 44 डिवाइडेड बाय 10। जब 44 की आप फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 11 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 2 स्क्र बाद स्क्र रूट से कैंसिल, बाहर आ जाएगा -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10। 8 और 2 में से कॉमन आ जाएगा 2, अंदर 2 × 4 = 8 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 11 किसी का भी अंडर रूट नहीं है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अंडर रूट आ जाता है यानी 49 7 को होता है, तो फिर अंडर रूट ख़त्म हुआ तो फिर आपने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट निकालना है। थैंक्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन डन बाई योर सेल्फ।